अंकिता भंडारी जो है, जिसको हम न्याय दिलाने की जैसे कर रहे हैं कि उसको न्याय मिले, तो न्याय दिलाने के लिए हम सबको प्रयास करना होगा, क्योंकि वो भी हमारे बीच की बच्ची है, वो भी किसी की बच्ची है। और अगर एक के साथ ऐसा होगा और अगर उसके खिलाफ कोई विरोध में कोई खड़ा नहीं होगा, तो पता नहीं कितनी अंकिताओं को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी, अपनी जान देनी पड़ेगी। क्या आप चाहते हैं ऐसा? नहीं चाहते। तो हम सबको मिलकर के हमने ये भी तय किया है कि आज 1 अक्टूबर है, तो हम आज 1 अक्टूबर के दिन और कुछ नहीं उसके लिए कर सकते, जो बच्चे भी कर सकते हैं, एक दिया उसके नाम का जरूर जलाएं, अंकिता भंडारी के नाम का, कि उसको न्याय मिले। और दूसरी बात यह है कि उसको न्याय दिलाने के लिए बहुत सारे लोग सड़क पे उतर रहे हैं, अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं और उसका विद्रोह कर रहे हैं कि भाई जो विरोध कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ उसके साथ में और आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आगे ऐसा भविष्य में किसी के साथ ना हो, उसके लिए आप लोगों को भी अवेयर होना जरूरी है। और इस सब की, ये जो हमारा लैंगिक विषय है, इसकी जानकारी आपको भी होनी चाहिए, चाहे वो बालक हो चाहे वो बालिका हो। तो इसी विषय को हम आगे बढ़ाने के लिए, इसके उसमें थोड़ी सी जानकारी देने के लिए हमने आपके विद्यालय में आमंत्रित किया है दीपा जी को, और मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो आएं और बच्चों को लैंगिक विषय के बारे में जानकारी दें। दीपा जी। आइसोलेट किया हुआ है, अलग किया हुआ है, हमें नहीं पता उनकी ज़िंदगियों में क्या क्या समस्याएं होती हैं। लेकिन जो हम लोग हैं मेल फीमेल, ये लड़कियां भी बैठी हैं आपके साथ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के, क्योंकि मैं यही पड़ोस की हूँ आपके, और मैं SGRR स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, यहीं से निकल के जाती थी, तो हमने सिर्फ लड़के देखे थे यहाँ पे, आज लड़कियां भी दिख रही हैं। कैसा लग रहा है लड़कियों? अच्छा लग रहा है? अच्छा कैसे लग रहा है? ये ज़्यादा लड़की है, तुम कम हो? कैसा लग रहा है बताओ? अच्छी फीलिंग आती है? ठीक है। तो ये जो हमारा समाज है जिसमें हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हम कह रहे हैं कि 3 तरह के लोग हैं, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर। ठीक है। अब थर्ड जेंडर, क्योंकि हमने, मैंने पहले भी बोला कि उनकी एक अलग दुनिया है, उनकी अलग समस्याएं हैं, वो तो हम कभी भी डिटेल में कभी उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो हम मेल और फीमेल इशूज़ पर बात करेंगे। अभी बार बार अंकिता अंकिता का नाम लिया जा रहा है, आप लोगों को पता है अंकिता के साथ क्या हुआ? क्या हुआ एक बताना मुझे, एक एक करके क्या हुआ? मर्डर हो गया उसका। क्यों हुआ? क्यों हुआ? हाँ, जॉब करने गई थी, और जॉब करने गई तो मर्डर क्यों हुआ? उससे गलत काम करवाने के लिए बोला जा रहा था और उसने उसके लिए मना किया, और जब उसने मना किया तो उस गुस्से में उसका मर्डर हो गया, धक्का दे दिया। तो आपको क्या कैसे फीलिंग आई उस समय, क्या लगा आपके दिमाग में, आपको क्या लगता है क्यों हुआ अंकिता के साथ ऐसा? क्योंकि वो जॉब करने गई थी? अगर वो लड़की थी तो उसको जॉब करने नहीं जाना चाहिए था, क्यों गई थी वो जॉब करने? हाँ जी, मास्क उतार के बोलो। हाँ, एक एक अपने घर की जब परेशानियां होती हैं तो लोग, बच्चे उनको मदद करना चाहते हैं। आपस में बात मत कीजिए, थोड़ी देर में हम लोग डायलॉग करेंगे तो आप अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। इन्होंने बोला कि घर की जब परिस्थितियां ऐसी होती है तो बच्चा उसको मदद करना चाहते हैं, तो अंकिता ने भी चाहा कि वो अपने परिवार को मदद करे, वो काम करने चली गई, और काम करना कोई बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं है।
लेकिन उसको नहीं पता था कि वो जिस काम में जा रही है वहाँ उस तरह के प्रपोजल उसको आएंगे जो उसको स्वीकार नहीं होंगे, जिनको वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, और जब वो एक्सेप्ट नहीं करेगी तो उसका बदला लिया जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये तो एक घटना थी जिस घटना में एक लड़की से कुछ ऐसी अवांछित चीज़ें करने के लिए कही गई जिसको उसने मना कर दिया, और मना करने पे उसका मर्डर हो गया। ठीक है, हत्या हो गई उसकी, मर्डर हुआ, हत्या हुई, वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो ये पूरा प्रोसेस था, जो ये पूरी सोच थी, वो सोच क्या कहती है, उस सोच में क्या है? कुछ लोगों ने कहा रिजॉर्ट में काम करने की क्या ज़रूरत थी, माँ बाप घर में क्यों बैठा है, भाई घर में क्यों बैठा है, ऐसा कोई क्राइटेरिया है क्या कि लड़कियां काम नहीं कर सकती? ये लड़कियां आज पढ़ रही हैं, मैडम यहाँ बैठी हैं, वो भी कभी लड़की रही होंगी, मैं भी कभी अपने घर से निकल के आई हूँ, मैं भी लड़की रही होंगी। तो अगर हम अपने समाज को लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं बनाएंगे तो फिर लड़कियां कैसे काम करेंगी, कैसे जिएंगी, है ना? तो बार बार हम उस समस्या को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या होगा, क्या सोच है जो ये कहती है कि कोई लड़की काम करने आई है, अगर वो आपकी बात नहीं मान रही है तो आप उसको मार सकते हैं। क्या सोच है ऐसी, क्यों हमारे समाज में ये सोच है, बताइए। आप लोग कभी स्कूल में ऐसे सीखते हैं कि लड़के लड़की में फर्क होता है? क्यों नहीं सीखते? जब कोई अभी मेरे को आपको वो बोर्ड उठाना है तो वो बोर्ड उठाने के लिए मैं किसको, लड़कियों को बुलाऊंगी? क्यों बुलाऊंगी मैं लड़कों को? तो यू वांट टू से कि लड़के पावरफुल होते हैं? ऐसा माना जाता है। तो लड़कियां उठा लेंगी वो बोर्ड? हो सकता है कि आप दो लोग उठाएं, वो शायद तीन लोग उठाएं, है ना? आप शायद 10 मिनट में ले जाएं, वो शायद 15 मिनट में ले जाएं। लेकिन सोच क्या है कि भारी काम करना है तो लड़कों को ले जाओ। लड़के परेशान भी हो जाते हैं इस बात से कि आप हमें क्यों बुला रहे हैं, लड़कियों को बराबरी का जमाना है, लड़कियों को बुलाएं, उनको करने दें, है ना? लेकिन इसमें समस्या आती है शुरुआत से, बचपन से। अगर आप पूरा चक्र समझेंगे तो जो डाइट लड़कियों की होती है वो लड़कों की डाइट से अलग होती है। मानते हैं इस बात को? आप शुरू से अपने खाने पीने को लेके सजग होते हैं, आप दूध भी पीते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, खाना भी ठीक से खाते हैं। लड़कियां क्या करती हैं, लापरवाही करती हैं ना खाना खाने में। तो शारीरिक रूप से कमज़ोर कौन होता है, इसलिए होती हैं। ज़्यादातर लड़कियों के हीमोग्लोबिन कम पाए जाते हैं, इसलिए पाए जाते हैं क्यों, उनके न्यूट्रिशन पे ना तो परिवार ध्यान देता है ना वो खुद ध्यान देते हैं। अगर घर में एक गिलास दूध होता है और दो बच्चे होते हैं, एक लड़का और लड़की, तो वो दूध किसको मिलेगा, क्यों मिलेगा? तुम पहले मास्क उतारो, तुम बोल रहे हो पता नहीं, पता है आपको? बेटी बचाओ बेटा पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटा पढ़ाओ। हाँ सुनो सुनो, मैं आप सब लोगों से भी बात करी, कोई जरूरी नहीं कि आगे वाले जवाब देंगे। तो अगर वो एक गिलास दूध जो है वो लड़के को मिला तो क्यों मिला, मुझे सवाल का जवाब चाहिए। हाँ बैठ के बोलो बेटा। ठीक है, वेरी गुड। ये बोलने के लिए भी बहुत साहस चाहिए कि हम ये मानते हैं, जानते हैं, देखते हैं, फिर भी हम ये नहीं बोलते कि लड़कियों को परिवार में लड़कों से ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, ज़्यादा उनको माना जाता है। क्यों माना जाता है? एक मिनट देखो सुनो, आपस में बात नहीं करो। ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो लड़के जो होते हैं वो बाहर जाके कमाते हैं, काम करते हैं, है ना? लेकिन अब तो बराबरी का ज़माना है, लड़कियाँ भी काम कर रही हैं, तो अब फर्क आया हमारी सोच में? अब लड़कियों को बराबर माना जाता है घरों में? लड़कियों से पूछ रही हूँ, माना जाता है? बहुत कम। क्या लगता है आपको, माना जाता है? खुल के बोलो, कोई बात नहीं, आज तो बात कर सकते हैं, माना जाता है? मैं तो कहती हूँ नहीं माना जाता। हाँ, तो जो सबसे पहला जो जिक्र आता है जन्म से पहले का आता है। जन्म से पहले ज़्यादातर लोगों की इच्छा होती है कि अगर कोई प्रेग्नेंट होती है महिला, तो ज़्यादातर खुद महिलाओं की भी इच्छा होती है कि क्या हो बच्चा, लड़का हो। क्यों हो लड़का? खानदान का वारिस मिलता है, वंश चलाता है, परिवार को आगे ले जाता है। ठीक है, लड़की दो परिवारों को आगे ले जाती है, लेकिन फिर भी वैल्यू किसकी है? लड़के की है। अब आती है शिक्षा पे बात।
जहाँ तक शिक्षा की बात है तो लड़कों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाता है कि अच्छी नौकरियों में जाएंगे, अच्छे पैसे कमाएंगे, घर चलाएंगे। अंकिता भी तो वही करने निकली थी, उसने भी तो यही चाहा था कि मैं घर चलाऊं, तो हमें स्वीकार नहीं हुआ, है ना। और किस तरह के भेदभाव होते हैं, आपने कहा कि बाहर निकलने के लिए मना किया जाता है, आपको क्या लगता है क्यों मना किया जाता है बाहर निकलने को? माहौल कौन खराब करता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बोल रहे हैं कि सारे लड़के एक जैसे नहीं होते। मैं ये बात को बिल्कुल अच्छे से मानती हूँ कि सारे लड़के एक जैसे नहीं होते, लेकिन लड़कियों को रोका तो इसीलिए जाता है क्योंकि बाहर लड़के होते हैं। अगर लड़कियां भी चौक पे खड़ी हों शाम को तो कोई परेशानी नहीं है, हम छेड़ते हैं लड़कों को। अगर मैं चौक पे अपनी सहेलियों के साथ खड़ी हूँ, अगर लड़के जा रहे तो हम छेड़ेंगे उनको? लेकिन लड़के तो थोड़ा कर देंगे ना कमेंट वमेंट पास। तो माँ बाप को लगता है कि इस तरह की घटनाएं ना हो, तो उसके लिए प्रिकॉशनरी वो लड़कियों को घर पे रोकना शुरू कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि घर सुरक्षित है, जो गलत चीज़ें होनी होती है वो परिवारों के अंदर भी लड़कियों के साथ हो जाती हैं, और वो बोलने की आज़ादी नहीं होती। ये जो अंकिता का पूरा एपिसोड था, इसको अगर हम बारीकी से देखें तो इसमें तीन चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली हैं। तीन चीज़ें क्या ध्यान देने वाली हैं कि वो जिस रिजॉर्ट में काम करने आई थी, उस रिजॉर्ट में वो शुरू से अनकंफर्टेबल थी, असुरक्षित थी, उसे वहाँ ठीक नहीं लग रहा था, कुछ ठीक नहीं लग रहा था। और ये मैं मानती हूँ कि लड़कियों के सेंसेस थोड़े से ना ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो हाव भाव एक्सप्रेशन ये सारी चीज़ों से समझ जाती हैं कि सामने वाले की मंशा क्या है, स्पर्श तक समझ जाते हैं। वो तो हर बच्चा समझता है, आप भी समझते हैं, अगर मैं गलत भावना से आपको स्पर्श करूंगी तो आपको उसका स्पर्श का मतलब समझ में आ जाएगा, जिसको हम गुड टच और बैड टच बोलते हैं, ठीक है। तो अगर अंकिता को समझ में आ गया था तो फिर उसने कोई कदम क्यों नहीं उठाया, उसने अपने घर वालों से बात क्यों नहीं की? बिल्कुल, जैसे ही वो ये बात बोलती घर वाले काम छुड़वा देते, ठीक है। वहाँ क्या होता, उसका काम छुड़वा देते, कोई और लड़की आ जाती, उसके साथ भी यही होता, ठीक है। तो ये जो हमने माहौल बनाया है, जिस माहौल की हम बात करें, वो माहौल हम ही ने बनाया है, उस माहौल में हम भी बराबर के शामिल हैं, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों के साथ बातचीत करने का, स्कूलों में बातचीत करने का धात का जो कार्यक्रम है वो हमेशा से रहा है, वो इसीलिए रहा है कि जिस उम्र में आपके साथ बातचीत होनी चाहिए उस उम्र में बातचीत होती ही नहीं है। अभी तो आपके सामने गर्ल्स हैं, आप इनको देखोगे, इनसे दोस्तियां करोगे, इनके बारे में जानोगे, जब आप सिर्फ बॉयज पढ़ रहे थे तो आपको पता ही नहीं था कि लड़कियों के दिमाग में चलता क्या है, लड़कियां सोचती क्या हैं। बहुत गैप्स होते हैं ना हमारे समाज में, हम लड़कियों को समझ नहीं पाते, लड़कियां लड़कों को। मैं खुद गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी हूँ, मुझे एक लंबे समय तक बॉयज से बहुत ऐसे अनकंफर्टेबल हो जाता था कि पता नहीं ये कैसी उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं, कैसे बेवकूफ़ों जैसी हरकतें करते हैं। बेचारे बुरे नहीं होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन अब उनकी ओरिएंटेशन ऐसी होती है, वो मस्त होते हैं, हुड़दंग मचाने वाले होते हैं, तो हमें लगता है क्या हरकतें कर रहे हैं। तो ये जो हमारे समाज में गैप होता है ना, ये गैप बचपन से मेंटेन किया जाता रहता है, और यही कारण है कि लड़कियां लड़कों को नहीं समझ पाती, लड़के लड़कियों को नहीं समझ पाते, और लड़कियों की ना नहीं समझ पाते। फिल्मों में, गानों में सबसे ज़्यादा बर्बाद किया है, अरे लड़की की तो ना में भी हाँ होती है, नहीं होती लड़की की ना, मतलब ना होती है। अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो वो खुद, आजकल की लड़कियां स्मार्ट हैं, वो खुद आके, आपने प्रपोज किया, कुछ बात बोली, दोस्ती के लिए बोला, वो खुद आके बोलेगी कि हाँ ठीक है, दोस्ती करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर उसने मना कर दिया तो उसका मतलब ना का मतलब ना ही होता है। ये अगर हम इस उम्र से समझ जाएं और लड़कियां भी क्लियर ना बोलना सीख जाएं, तो समाज में एक मैसेज जाता है, हम बोल ही नहीं पाते, हम बोलते सोच के बताएंगे, हाँ देखते हैं। आप क्लियर ना बोलो, और ये ना बोलना परिवार से शुरू करना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ अस्वीकार है उसको ना बोलिए। वो ना नहीं सुन पाते हैं इसीलिए उनको लगता है कि ये कुछ बोल नहीं रही है, तो हो सकता है इसकी हाँ है, ठीक है। तो बॉयज़ को भी ये समझना पड़ेगा कि लड़की की ना का मतलब ना होता है, और लड़कियों को ये समझना पड़ेगा कि ना कहना शुरू करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो थी, अब एक दिन में तो मैं कोई बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में से बदल नहीं पाऊंगी सब चीज़ें जो आप सोचते हैं, जो आप समझते हैं, जो आप देखते हैं, लेकिन इतना तो बदल पाऊंगी कि लड़कियों को पहले इंसान मानिए, इंसान मानिए, देवी भी मत मानिए कुछ दिनों के लिए। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, अभी कंच के ढूंढने जाएंगे, उनके पांव धुलाएंगे, उनको पूजेंगे, और उसके बाद उम्मीद करेंगे कि हे भगवान मेरी बहू के बच्चा होने वाला वो लड़का हो। तो ये जो दोहरापन हमारे समाज में, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर हम सम्मान देना चाहते हैं तो हमें सोच बदलनी पड़ेगी। वो देवी को से पहले एक इंसान है, आप उसे उस स्वरूप में देखते हैं। अगर लड़की को देवी स्वरूप में देखते हैं तो लड़का भी देवता स्वरूप है, उसमें कोई समस्या नहीं है,
लेकिन हमने देवी बना बना के उनको पूछ पूछ के उनकी पूजा अर्चना कर करके और क्या किया फिर। अंकिता भी तो किसी की बेटी थी, उसको भी तो किसी ने कंजक पूजा होगा, किसी ने उसके पांव धोए होंगे। आज उसके साथ क्या हुआ, उस समय उनके हाथ नहीं कांपे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। तो यानी जैसे ही उसको उम्र वो होगी, उसको पीरियड्स होने लग जाएंगे, तब वो कुछ और हो जाएगी और पीरियड से पहले वो देवी हो जाएगी। ये जो हमारे समाज की सोच है, ये हमें बदलनी पड़ेगी। और ये सोच कौन बदलेगा? आप लोग बदलेंगे, हम लोग बदलेंगे, बिल्कुल नई जनरेशन बदलेगी। यही कारण है कि हम स्कूल्स में कॉलेजेस में बात करते हैं बच्चों से। बहुत सारे आपके दिमाग में बातें चल रही होंगी, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। उन सवालों का अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वो सवाल ऐसे ही रह जाते हैं। तो मैंने जो इतनी बातचीत की वो जेंडर विषय जब हम बात करते हैं, वो एक बहुत विस्तृत विषय है, उस पर बहुत लंबी लंबी ट्रेनिंग्स होती है, बातचीत होती है। लेकिन अभी मैं सिर्फ आधे घंटे आपसे एक डायलॉग करना चाहती थी कि हम समझें कि ये जो पूरी घटना हुई है, ये उस सोच के अंतर्गत हुई है जहाँ एक लड़की को कमज़ोर माना जाता है, जहाँ उसकी ना को हाँ समझा जाता है, जहाँ उसकी ना को समझा ही नहीं जाता है कि इससे बोल दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो वही करेंगे जो हमें करना है, और अगर वो बात नहीं मानती तो उसको सज़ा दी जाती है। ठीक है, तो वो सज़ा देने वाले लोग भी हमारे बीच के होते हैं, हमारे परिवार, हमारे समाज के होते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि आगे ये घटनाएं ना बढ़े, तो हमें खुद की सोच इस चीज़ को लेके बदलनी पड़ेगी। ठीक है, तो मुझे इतना ही कहना था। आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम सुरेंद्र है और मेरा सवाल जैसे अभी आपने बताया कि हमें अपनी सोच बदलनी है, लेकिन इससे पहले कि मतलब ये है कि सभी तो ये चीज़ को अमल नहीं करेंगे, पर आप लड़कियों के लिए मतलब सावधान रहें, इसके लिए भी क्या क्या सलाह देना चाहेंगे फिर? अच्छा, मतलब इस चीज़ को लड़कियों के लिए सावधान रहें तो हमें क्या करना चाहिए? मतलब ये तो हम समझ गए कि हमें सोच बदलना है, लेकिन ऐसा दूर का काम है अभी क्या करना? मतलब ये कि सभी लोग तो इस चीज़ को मानेंगे, ऐसा तो कन्फर्म नहीं है ना, तो मतलब लड़कियाँ सुरक्षित रहे उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? ठीक है, थैंक यू। दो चीज़ें हैं। अगर आपने अंकिता वाला मैटर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सब जगह चल रहा है, उसमें आपने उसके एक दोस्त की भूमिका भी देखी होगी, जो जिससे वो बात कर रही है उसे सारी बातें बता रही है। मतलब चीज़ें बदल सकती थी अगर वो दोस्त पहले आ गया होता, या उसने कंप्लेन कर दी होती, या उसे वहाँ से निकाल लिया गया होता। ठीक है, तो समाज को हम पूरी तरह से सुरक्षित दो तरीके से बना सकते हैं, खासकर लड़कियों के लिए, कि एक तो पहले लड़कियों को अवेयर करें, और जहाँ भी वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, असहज महसूस करती है, वहाँ से पहले अलग हटे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अलग नहीं हट पाती है, चाहे वो ऐसा रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, चाहे ऐसी दोस्ती भी क्यों ना हो, कि अगर वो दोस्ती अब्यूजिव है, अगर वो दोस्ती वायलेंट है, तो वहाँ से भी हटना पड़ेगा। हम वो इमोशंस के चक्कर में इधर का सोच के उधर का सोच के, अगर अंकिता पहले हट गई होती, वो घर चली गई होती, तो शायद यहाँ तक नौबत ना आती, या उसने एक्शन ले लिया होता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो पॉलिसी लेवल पे चीज़ें हैं उसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। अभी इतना हड़कंप मचा हुआ है ना, इतना हल्ला मच रहा है, इसलिए सब चर्चा में आ गई चीज़ें, इसलिए सब परेशान हो रखे हैं। नहीं तो उसके पिता जो थे वो 3 दिन तक चक्कर काटते रहे कि मेरी बेटी लापता है, उसका कुछ पता नहीं है, ना पुलिस ने कुछ किया, ना बाकी प्रशासन ने कुछ किया। तो हमें उन व्यवस्थाओं को भी ठीक करने की ज़रूरत है जहाँ से लड़कियों को ताकत मिलती है। एक हेल्पलाइन चली थी 181, सुना है आपने? 181 हेल्पलाइन लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए चली थी, जिस पे हमारी राज्य सरकार ने 4 करोड़ रुपए खर्च किए थे। मैंने उस हेल्पलाइन को हेड किया था शुरू में। वो हेल्पलाइन का मकसद यही था कि आप कहीं भी हैं, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप परेशान हैं, आप कुछ कह नहीं पा रहे, किसी और से शेयर नहीं कर पा रहे, आप 181 पे फ़ोन करें और बताएं कि मेरी ये समस्या है, और वो हेल्पलाइन के थ्रू आपको पूरी मदद चैनलाइज होती थी एक ही जगह बैठे बैठे। लेकिन आज की स्थिति में वो हेल्पलाइन निष्क्रिय पड़ी हुई है, बिल्कुल निष्क्रिय। तो दो लेवल पे काम करना है, लड़कियों को खुद अपनी सुरक्षा के मापदंड बदलने पड़ेंगे, उन्हें लड़कों को साथ लेके सुरक्षा नहीं करनी है, अपने आप को शारीरिक रूप से मजबूत बनाना है, मानसिक रूप से मजबूत बनाना है, भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना है, और दूसरा हमने अपने समाज को, अपनी व्यवस्थाओं को ठीक करना है जहाँ वो सुरक्षित महसूस कर सके। ठीक है बेटा, कोई नहीं, ताली आप लोग लास्ट में बजा लेना, अभी सिर्फ सवाल लेते हैं। लड़कियों, आपका कोई सवाल है? कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है? देखो कितनी शर्म आ रही है सवाल पूछने में। पूछिए, आ जाओ।
मैम जैसे मेरे घर में तो नहीं होता है, पर मैम जैसे कई लड़कियां होती हैं उनके खुद के घर में मैम जैसे भेदभाव होता है तो कैसे रोके हम उसे। देखिए ये जो भेदभाव है ना ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, इसको एक दिन में तो खत्म नहीं किया जा सकता। और इस भेदभाव को क्वेश्चन करना शुरू करना, प्रश्न करना शुरू करना कि आप हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। तो जो प्रश्न करना आप शुरू कर देंगे तो वहाँ सामने वाले को एहसास होता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। अगर जो मैंने अभी दूध के गिलास की बात की थी, आप ये डिमांड करें कि नहीं वो दूध मुझे भी पीना है या फिर आधा आधा हम दोनों भाई बहन को पीना है, तो माँ बाप को समझ में आएगा, लेकिन लड़के भी बोल देंगे कोई बात नहीं भाई को दे दो, तो नहीं बदलेंगी चीज़ें। तो इस भेदभाव को चैलेंज करना तो आपका काम है, बदलना हम सबका काम है, ठीक है। और धीरे धीरे बदलेंगी, अगर बदली ना होती तो आप यहाँ ना होती, मैं यहाँ ना होती, मैम यहाँ ना बैठी होती, बदलाव आएगा। और कोई सवाल, कुछ भी, आप अपने सवाल अपने साथ लेके मत जाना, नहीं तो परेशानी होगी। वैसे मैं अपना नंबर शेयर करूंगी, आप घर जाके भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप सामूहिक रूप से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बेटा आप कुछ नहीं, ठीक है, आप बहुत अलर्ट रहे पूरे सेशन में, तो इसलिए मुझे लगा कि शायद दिमाग में कुछ चल रहा है। और कोई कुछ नहीं जी, जो लड़कियां हैं जो हमारे भारत की लड़कियां हैं विदेशी कल्चर्स अपना रही हैं, शॉर्ट्स पहन रही हैं। क्या सवाल है, मेरे को उम्मीद थी इस सवाल की। शॉर्ट्स पहनती हैं हम, तो हम थोड़ा पहनावे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सोच रही थी मैं आज जीन्स पहन के आती, सर एक मिनट, लेकिन मैंने साड़ी पहनी। अब जैसे मैंने साड़ी पहनी है तो मेरी सोच आपकी सोच, आपकी सोच बदल गई ना मेरे बारे में, मैंने साड़ी पहनी है, भारतीय परिधान में हूँ, बिंदी बिंदी लगाई है। लेकिन अगर मैं यहाँ जीन्स में होती तो आप थोड़ा तो सोचते ना कि ये स्कूल में आई हैं, कैसे कपड़े पहन के आई हैं। बैठिए, ये जो भी बच्चे हैं अपनी कोई क्वेरी या प्रश्न है तो इस पर माइक लगा है, उसमें भी पूछ सकते हैं, पोडियम पर वहां पर बोल रहे हैं कि सब, ठीक है बैठिए। तो इन्होंने सवाल किया कि आजकल लड़कियां वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस में आ गई है, आप कह रहे हैं लड़कियां इन्फ्लुएंस में आ गई, लड़के इन्फ्लुएंस में नहीं आए हैं, लड़के नहीं जीन्स पहनते हैं शॉर्ट्स पहनते हैं, तो अगर आप शॉर्ट्स पहन सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं पहन सकती हैं, पहन सकती है ना, लड़कियां तो नहीं टांगे देखती हैं आपकी ऊपर से नीचे तक, लड़कियां तो नहीं बोलती हैं क्या कपड़े पहन के घूम रहे हैं। जहां तक कपड़ों की बात है वो दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कौन से कपड़े कहां पहन के जाने चाहिए, ये चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आप अपने स्कूल के फंक्शन में शॉर्ट्स पहन के नहीं आएंगे, आपको अजीब लगेगा, लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ हैं जहां सिर्फ आपके दोस्त हैं, जहां आप सुरक्षित महसूस करते हैं, वहां कोई भी कपड़े पहन के जाइए। कपड़े का कोई प्रश्न सवाल पैदा होता ही नहीं है, क्योंकि कपड़े से कभी किसी की मानसिकता तय नहीं होती। अगर ऐसे होता तो 60 साल की बुजुर्ग महिला का भी बलात्कार होता है और 8 साल की बच्ची का भी बलात्कार होता है। 8 साल की बच्ची ने क्या शॉर्ट्स पहने होंगे, सोचो। कपड़ा कभी जिम्मेदार नहीं होता, सोच जिम्मेदार होती है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि एक सर्वे किया गया और सर्वे में लोगों से पूछा गया कि आपको महिलाएं सबसे ज़्यादा सेक्सी किस कपड़े में लगती हैं, तो आपको पता है उनका जवाब क्या था, ज़्यादातर लोगों का जवाब क्या था, सोचिए क्या हो सकता है, साड़ी जी। 80% लोगों ने कहा कि औरतें सबसे ज़्यादा सेक्सी साड़ी में लगती हैं, शॉर्ट्स में नहीं लगती। तो सोच बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगली बार जब शॉर्ट पहनोगे तो ये सोचगा कि लड़कियां अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रही हैं, ठीक है। थैंक यू।